नरेश के घर में रोज सुबह दूध वाला दूध देने आता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से नरेश घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और दूध वाला घर के बाहर दूध की बोतल रख के चला जाता था। घर के बाहर 3-4 दिनों से अखबार भी पड़े हुए थे, इसलिए एक दिन दूध वाले को डाउट होता है तो वो खिड़की से अंदर जाके देखता है तो नरेश मर चुका था। दूध वाला तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत आके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे समझ जाता है कि घर के बाहर रखी दूध की बोतलें चेंज हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि दूध की बोतल चेंज हुई है? सोचिए सोचिए। आज वाली दूध की बोतल कल वाली दूध की बोतल से ज्यादा भरी हुई है, अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल फिर पिछले 3-4 दिनों के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन दूध की बोतल चेंज करने कोई नहीं आया था। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई आया ही नहीं तो दूध की क्वांटिटी कम कैसे हुई? मेहुल के दिमाग का दही हो रहा था। मेहुल दोबारा से सीसीटीवी कैमरे चेक करता है तो उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इस बार क्या क्लू मिला होगा? सोचिए सोचिए। पहले वाले सीसीटीवी फुटेजेस में सामने वाले बगीचे की घास थोड़ी छोटी है, लेकिन दूसरे वाले फुटेज में घास बड़ी हो गई। अब भला रातों रात घास इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब जरूर कोई तो गड़बड़ है। मेहुल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल शाम को सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में रैली का कोई नामो निशान नहीं था। मेहुल को सारा गेम समझ आ जाता है, किसी ने सीसीटीवी कैमरे के सामने दूसरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिया होगा और कैमरे में वही दिख रहा था जो खूनी दिखाना चाहता था। मेहुल घर के तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले ग्रोसरी का सामान देने आया था, उसके बाद से नहीं आया हूँ। दूसरा नौकर कहता है, मालिक ने परसों गुलाब के फूल मंगवाए थे तो मैं तो गुलाब के फूल दिए और चला गया, 2 दिन से छुट्टी पे हूँ। तीसरा नौकर कहता है, मैं तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? दूसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, घर के सामने वाले बगीचे में इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। फिर भला नरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा? मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है। मेहुल से पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक गैंगस्टर ने गगन को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए गगन ने अपने घर पर पुलिस की सिक्योरिटी ले ली थी, लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के घर पे आ जाते हैं और गगन को गोली मारकर चले जाते हैं। गगन के घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी गुंडे गगन को मारकर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका? सोचिए सोचिए। घर के बाहर पुलिस की कार तो खड़ी हुई है, लेकिन उसमें पुलिस नहीं है। लेकिन जब ये केस मेहुल तक पहुंचता है तो मेहुल उन गैंगस्टर से पूछताछ करता है, लेकिन गैंगस्टर्स कहते हैं कि उन्होंने गगन का मर्डर नहीं किया है। फिर मेहुल गगन के घर पे लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन उसमें खूनी का चेहरा ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टर्स पे डाउट आता है और वो तीनों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन से गैंगस्टर ने गगन का मर्डर किया होगा? सोचिए सोचिए। जिस आदमी ने गगन को गोली मारी थी उसके गले पर एक टैटू था और ठीक वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी के गले पर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सचिन अपने दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है और कोई अन्नू का नेकलेस गले से निकाल लेता है। लाइट आते ही अन्नू अपना नेकलेस चेक करती है और रोने लगती है। सचिन तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद सचिन समझ जाता है कि अन्नू का नेकलेस कौन चुरा सकता है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? लाइट जाने के पहले और बाद की फुटेजेस को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने वेस्टकोट पहन रखा था, लेकिन अभी उसने वेस्टकोट नहीं पहन रखा है और आसपास कोई वेस्टकोट दिख नहीं रहा है।
इसका मतलब लाइट जाने के बाद ये वेटर कहीं गया था और इसी ने अनु का नेकलेस चुराया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मेहुल जिस टेबल पर बैठता है उस पर ऑलरेडी पहले से एक आदमी खाना खा रहा था। मेहुल खाना ऑर्डर करके हैंड वॉश के लिए बाथरूम में चला जाता है। हैंड वॉश करने के बाद मेहुल वापस अपने टेबल पे आकर बैठ जाता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। सामने वाला आदमी जो का त्यो बैठा है और अपना खाना खा रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं? तो फिर मेहुल को क्या गड़बड़ लगी और क्या अलग लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जब मेहुल हैंड वॉश करने गया था तब उसकी टेबल वाले आदमी की थाली कुछ अलग थी। पहले पनीर वाली सब्जी थाली के लेफ्ट में रखी हुई थी, लेकिन वो सब्जी अभी राइट में रखी हुई है। मेहुल के इतने हाई फाई डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुबह सुबह एक पेंटर की अचानक मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये पेंटर ने एक प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है? सुबह सुबह घर पे तीन लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले आदमी के टी शर्ट में भी आयरन मैन बना हुआ है। इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिसे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो लोग एक घी वाला और मोची एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, घी बेच बेच के पाई पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल सिल के ये पैसा मैंने बनाया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी एक लेयर बनने लगी। मेहुल उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी वाले का है। जब भी वो लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों में लग जाता होगा। डिटेक्टिव मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। इसमें दो लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला कहता है कि डॉग मेरा है, दूसरा कहता है कि डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं कैसे पता किया जा सकता है डॉग किसका है, ए या बी का? सोचिए सोचिए। मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। अब डॉग जिसके पास वो बिस्किट खाने पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर मेहुल के पास तीसरा केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं? सोचिए सोचिए। मेहुल कहता है कि बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा तो मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह वाह, मेहुल का क्या दिमाग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रितु आज 18 साल की हो जाती है। रितु का छोटा भाई केक लेके आता है और घर में सभी रितु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन रितु के गाँव में चुनाव होने वाले थे। रितु, उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई चारों वोट देने के लिए गाँव जाना चाहते हैं। शाम में वो चारों गाँव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और अगले दिन वो चारों गाँव पहुँच जाते हैं। रितु और उसके माँ बाप बोलते हैं कि सभी मिश्रा जी को वोट देंगे, लेकिन रितु का भाई बोलता है नहीं, मैं तो मुन्ना भैया को वोट दूंगा। आखिरकार सभी लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं रितु के भाई ने किसको वोट दिया होगा? मिश्रा जी को, जो उसके मम्मी पापा ने कहा था, या मुन्ना भैया को? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रितु, जो उसकी बड़ी बहन है, वो कल ही 18 साल की हुई थी, लेकिन उसका भाई 18 का नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन ही 18 की है तो वो 18 से कम होगा, मतलब वो वोट ही नहीं दे सकता है, मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
इन तीनों में कौन भीग रही है? लॉजिकल आदमी सोचे, अच्छे से सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। वो ए है, बी है, सी है। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।